चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। जल्दी काम कर जल्दी, वरना तेरी तनख्वाह काट लूंगा। मालिक कर रहा हूं, काम कर रहा है, कर तो रहा हूं मालिक। हाथ चला ले, अरे गिरे, नौटंकी कर रहा है, जल्दी हाथ चला ले। मालिक कर रहा हूं, कर रहा हूं, जल्दी नौटंकी कर रहा है। ताले पांव काट रहा है, पांव नहीं, नहीं मालिक, नहीं काटेगा मेरे पांव, काटेगा नहीं, नहीं नहीं। ताले इतनी देर से तेरी सुन रहा था। अरे मर गया साहब, साहब कौन है साहब? अरे मुझे पीस भूल ले चल रहा है, अब क्या करूं? अरे कोई देख तो नहीं रहा यार। हमारे थोड़े थोड़े अच्छे हो रहे हैं, जल्दी बसें भी सही हो गई हमारी, अब देखते चलते हैं सारी चीज़ों को। अरे ये खून भी टपका हुआ, डंडा भी मिल गया, लग रहा है इसी डंडे से किसी ने मारा है। एम्बुलेंस को फोन करूंगा तो ये तो मर गया है, इससे कोई फायदा नहीं है, मैं सीधी सीआरडी को फोन करता हूँ। हाँ मैं एसीबी प्रतुमन बोल रहा हूँ सियाड़ी से। हेलो, मुझे मकरनपुर खेतों के गौहानी के सामने मुझे एक लाश मिली है, नेताजी ट्यूबवेल के कति सामने, उधर आ जाना आप, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास लोकेशन आ गई। अच्छा अच्छा नेताजी ट्यूबवेल का ही, अच्छा अभी आते हैं। चलो अभिजीत दया चलो चलते हैं। दया अभिजीत इसे आला घटाओ और इसकी जांच करो, डीसीपी चित्रोले का बहुत प्रेशर आ गया है, इसकी पूरी जांच करके इसे भेजना है डॉक्टर सालू के पास। चलो इसकी जांच करो। अरे इसके तो खून लगा हुआ है सर, इस डंडे से वार किया गया है सर, फट गई है आड़ी पूरी। अभिजीत इसके ये डंडा मारा है तो मारा है कैसे? बहुत खून निकल रही है सर। ऐसा करो देखो सर, इसके आसपास देखो कोई सबूत मिलता है क्या, देखो डंडा में भी खून लगा है लगता है डंडे। दया चलो आसपास देखो कोई और सबूत मिलता है क्या। लगता है यहाँ से लकड़ी फट गई यार, कभी कोई मसला हो गया और सर पाए भी छुपे हुए हैं। लगता है यहीं पर आकर हाथा पाई ही है। दया लगता है वहाँ पर पेड़ वेड़े छट कर इधर आया है तभी खून दिया है। अजीत इस जगह को देखो, इसमें कोई सबूत मिलता है नहीं सर, इधर फोरे मारे भी हैं। इसका मिट्टी का भी सैंपल ले लो। ठीक है, लगता है खूनी के जूते पे चले। ये बताओ तुमने फोन किया था? यस सर। अच्छा तो ये बताओ क्या हुआ था फिर? मैं तो अपने खेत में वो पेड़ छाट रहा था, मुझे नहीं पता मैं इधर आया मुझे ये लाश मिली। अच्छा मैंने आपको इसलिए फोन कर दिया।
दया अभिजीत चलो इसकी एक बार फिर से जांच करते हैं, कोई सबूत मिलता है क्या? ठीक है सर। ये इसका खून लगा है, लगता है बहुत बेरहमी से मारा है। इसका एक काम और करो, इसके नाक में फुफुदी फैल के इसका सैंपल ले लो। ये तो बड़ा कंजूस सेट है, इसकी बांध से भी बद्दी बनी हुई है, देख लो, और मिट्टी भी लगी हुई है। अच्छा, ये का कुछ मामला है। चलो ऐसा करते हैं, इसे डॉक्टर सालू के पास भेजो। अजीत इस जगह को देखो, इसमें कोई सबूत मिलता है नहीं? सर इधर फोरे मारे भी हैं। इसका मिट्टी का भी सैंपल ले लो। लगता है खूनी के जूते पे चली गई वो मिट्टी। इसे डॉक्टर सालू के पास ले चलो सुगलाम में। गंभीर समस्या भी ना हो ठीक करो अभी पता नहीं। डंडों से मार किया गया है, लकड़ी के डंडे से। इसे मारा तो मारा कैसे? कई बार लकड़ी के डंडे से इस पर वार किया गया है। इसके पहले लड़ाई और हाथापाई भी हुई है और गड़ेर गड़ेर को खींचा गया है, उसके बाद सर पे वार किया गया है। डंडे से मारा है, इसकी डंडे की स्पीड 120 किलो प्रति। रफ्तार से मारी गई है। रफ्तार से इस साइड से भी मारा गई है, इस साइड से आ रही है स्पीड 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। उसे उठा रहा हूँ ज्ञान है उसको इंदिरा नगर से, उसकी कुंडली निकालते हैं। क्या हुआ मुझे छोड़ो, लो सर इसको ले आए वहाँ बैठा हुआ ठीक है। आप मुझे बताओ कि वहाँ क्या कर रहे थे? और मैंने एक आदमी को वहाँ पर देखा कि वो खेत में काम करवा रहा था, एक लड़के से उसने उस खेत वाले को मार दिया। एक डंडा था ना उसमें कोई बात चल रही थी, उन्हें झगड़ा हो गया तो उस लड़के ने उसे मार दिया। मैं फिर अपने घर जा रहा था, मैंने आपको देखा, वो सर मेरे घर के पास में रहता है, वो मेरा चचेरा भाई है और वो ऐसे ऐसे झूठी बातें करता है और फिर चलने भी नहीं देगा कि मैं कोई घर से आएगा। आप कहो तो मैं थोड़ी बातें उसके करके आपके पास भी ले आऊँगा, मैं थोड़ी बहुत करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ऐसा है आप उससे बात करेंगे तो उससे कोई बात भी पता नहीं चलना चाहिए कि सियाड़ी उसके पीछे लगी हुई है। मैं ये बात भी उसे पता नहीं है तो चलो ठीक है उसे ले आओ ले बात। दया ऐसा करो इसके साथ जाओ और उसको ले के आओ ले बात। ऐसा करो इसके फिंगरप्रिंट लो, जो डंडे से तुमने फिंगरप्रिंट उठाए हैं तो इसके मैच करते हैं या नहीं करते हैं?
आइए मेरी पैर में बुलाइए इसको। आप इसे जानते हो? हाँ सर, इसे मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ये मेरा पड़ोसी है। हाँ, ये क्या करता है पड़ोसी? ये लकड़ी काटता है जंगल में जाकर। लकड़ी काटती हो ना तुम? हाँ सर। और आप क्या कर रहे थे वहाँ? सर मैं तो अपने खेत पर गया था काम करने के लिए। कल तुम कहाँ थे? सर मैं बाजार गया था। अच्छा यार, झूठ बोल रहे हो, कल तो खेत पर थे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाजार गया था। नहीं, मैंने आपको कल खेतों पर देखा। अरे मैं बाजार डाकू सालू पे ऐसा करो, ये तो मान नहीं रहा कि मैंने कुछ किया है। ऐसा करो, इसके बच्चे को फिंगर प्रिंट है और इसके फिंगर प्रिंट को मैच करो, देखो ये खुद का भूल जाएगा किसने फोन किया है। यस सर। जी सर। तो डॉक्टर तो मैं इसके फिंगर प्रिंट ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, इसके फिंगरप्रिंट लेके बताओ तब इसे पता चलेगी ये खूनी है या नहीं है। ठीक है, इसके फिंगरप्रिंट पूरे आ रहे हैं, डंडे के भी चेक कर लिए और मैंने एक रिपोर्ट निकाल के दी है। इसको आप अपने कार्रवाई कीजिए, पक्का खूनी यही है। हाँ, इसके रिपोर्ट तो पूरी सही बता रही है, डीसीपी चित्रों ने भी ठीक बता रहा था इसकी रिपोर्ट। अब तू बता सारा मामला। बोल जाता है। हाँ, वो पड़ोसी सेठ, वो तो मेरा मालिक भी है। मालिक था वो मेरा, मुझे अच्छी तरह से जानता था। अच्छा। हाँ तो तुमने उसी का फोन किया है? हाँ सर, मैं उस सेठ को जानता था, कंदूर सेठ को। अच्छा। हाँ सर, सर उस दिन मैंने धंधे मार उसके सिर में लग गया, वो मर गया। अगर तुझे परेशानी थी तो तुझे तू हमें फोन करता, हम तेरी बात शोर करते, उसे मारने की क्या जरूरत थी? सर वो सबको रोजाना परेशान करते, एक दिन मुझे तो पानी पीने जाने की मुझे बहुत प्यास लगी, मेरे चक्कर भी आए इसलिए मैंने। अच्छा तो अब